नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन्स का विस्तृत अध्ययन डियर स्टूडेंट्स आज हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, जिसमें उसका डिस्कवरी, बायोसिंथेसिस पाथवे, फंक्शन, स्पेशल प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन, इन्हें हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स में पादपों की यदि हम बात करें तो पादपों में प्रथम वृद्धि हार्मोन का जो सुझाव है वह जूलियस वॉनसेक्स के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने फाइटो हार्मोन्स को ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस कहा। बाद में इसी को थीमेन के द्वारा फाइटो हार्मोन्स कहा गया और परिभाषित किया गया कि ऐसे वे सभी जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के किसी एक भाग में निर्मित होकर के अन्य भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में ही ग्रोथ को, वृद्धि को प्रभावित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। प्रथम खोजा गया हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन था, जिसकी खोज एफ डब्ल्यू वेंट के द्वारा की गई थी। यदि हम बात करें हार्मोन शब्द की, तो हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टारलिंग के द्वारा दिया गया था, और फाइटो हार्मोन शब्द की यदि हम बात करें तो थीमेन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स को और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अलग अलग परिभाषित किया गया है। वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के किसी एक स्थान पर संश्लेषित होते हैं, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में संश्लेषित होते हैं, और वहाँ से अभिगमन करके दूसरे भागों में अति सूक्ष्म मात्रा में यानी कि विवर्धन क्षेत्रों में पहुँच करके क्रियाशील होते हैं और ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे के किसी विशिष्ट भाग में संश्लेषित होते हैं और उसी भाग में या फिर किसी अन्य भाग में स्थानांतरित होकर के अल्प मात्रा में पौधे की वृद्धि, विकास और विभेदन को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं या किसी अन्य प्रकार से नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रमुख कार्य होता है जर्मिनेशन को रेगुलेट करना, ग्रोथ को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना या फिर किसी अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करना। दोस्तों, प्लांट हार्मोन्स को सामान्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जो वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन। दूसरा आता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, वृद्धि संदमक हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वृद्धि को संदमित करते हैं, वृद्धि को कम करते हैं, उन्हें वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं, जैसे कि एब्सिसिक अम्ल और फिनोलिक्स। पौधे में निर्मित प्राकृतिक हार्मोन्स के अतिरिक्त, प्राकृतिक हार्मोन जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड के अतिरिक्त अन्य कृत्रिम या संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भी वृद्धि को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि उनमें भी वृद्धि को नियंत्रणकारी क्षमता उनके अंतर्गत भी पाई जाती है, और ऐसे पदार्थों को सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब हम यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पादपों के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं जो पाए जाते हैं। पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है इंडोल एसिटिक एसिड। सेकंड आता है जिब्रेलिन, तीसरा आता है साइटोकाइनिन, पांचवा आता है एथाइलिन, सॉरी चौथा एथाइलिन आता है, पांचवा एब्सिसिक अम्ल आता है, उसके बाद में स्टीरोगैलेक्टोन आता है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, जेसमोनिक अम्ल है, और लास्ट में आता है सैलिसिलिक अम्ल। तो दोस्तों, ये सभी प्लांट हार्मोन्स जो है पादपों के अंतर्गत पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, और यहाँ इनमें से प्रमुखता है हम जो पाँच प्रथम ये जो हार्मोन है इनका हम यहाँ पर एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट आता है बायोसिंथेसिस पाथवे, यानी कि जितने भी प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स है, उन सभी का पेड़ पौधों के अंतर्गत जो संश्लेषण होता है वह किसी ना किसी एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। उन्हीं को यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है ट्रिप्टोफेन होता है, इथाइलिन की यदि हम बात करें तो उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है मिथियोनिन होता है, और एब्सिसिक अम्ल
साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड और स्टेगोलैक्टोन, इन सभी का जो पांचों ये जो हार्मोन है इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वह होता है IPP, यानी कि आइसोपेंटाइल डाई फॉस्फेट। ठीक इसी प्रकार से यदि अल्फा लिनोलिक एसिड की यदि बात करें तो यह तीन हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का जो है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के रूप में कार्य करता है, जिसमें जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है ऑक्सिन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया था, प्रथम खोजा गया हार्मोन भी ऑक्सिन हार्मोन था, और यह पादप के शीर्ष भाग में यानी कि रूट अपेक्स में या फिर शूट अपेक्स में इसका संश्लेषण होता है। वैसे रूट अपेक्स और शूट अपेक्स के साथ साथ इसका जो संश्लेषण है वह प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनके शीर्ष भाग में या परिवर्तनशील भ्रूण में या परिवर्तनशील जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वहाँ प्रवेश का संश्लेषण होता है। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, और कुछ कार्बनिक संश्लेषित पदार्थ होते हैं उनसे भी इसको डिराइव किया गया है, और संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन के रूप में ये सभी कार्य करते हैं। नेचुरल ऑक्सिन की यदि हम बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, जिसे इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। यदि इनके संश्लेषण की हम बात करें तो साइट ऑफ सिंथेसिस एपिकल मेरिस्टेम होता है, और शूट अपेक्स या रूट अपेक्स वहाँ पर इसका संश्लेषण होता है। अब हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सर्वाधिक अध्ययन किया गया है और इसे परिभाषित किया गया है कि बेकार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्रारोह के विवर्धन को अभिवृद्धित करते हैं उन्हें ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी। ऑक्सिन हार्मोन को जो है किस प्रकार से खोजा गया? पौधों में वृद्धिकर पदार्थों की उपस्थिति का प्रथम संकेत जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जूलियस वॉनसेक्स के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया कि पौधों में अंग के निर्माणकारी कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं, और उन्होंने उस पदार्थ को ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस कहा, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जैव विकास का सिद्धांत भी दिया था। इनके साथ साथ चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने जो है कैनरी घास के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत जो वृद्धिकर पदार्थ था उसका उल्लेख उन्होंने एक पुस्तक के अंतर्गत किया, और उस पुस्तक का नाम था द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स के अंतर्गत उसका उल्लेख किया। और उन्होंने बताया कि प्रांकुरचोर और मूलांकुरचोर ये क्रम से फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म की ओर नमित होते हैं। अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर प्रांकुरचोर को यानी कि कोलोप्टाइल को यदि किसी धातु के फलक से ढक दिया जाए तो वहाँ पर नमन का जो प्रभाव होता है वह उत्पन्न नहीं होता है। देखिए इस डायग्राम के अंतर्गत यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से हार्मोन्स का निर्माण अलग-अलग जगह पर होता है, और वहाँ से वो दूसरे भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं, और स्थानांतरित होकर के अलग अलग प्रकार से ग्रोथ को रेगुलेट करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑक्सिन के कौन कौन से नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल जो ऑक्सिन होते हैं वो प्लांट के अंतर्गत यदि एंडोजीनसली जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड्स। सामान्यतः सभी प्लांट्स में ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है प्रेजेंट होता है, सभी के अंतर्गत ये पाया जाता है। दूसरा आता है 4-क्लोरो-इंडोल-3-एसिटिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल आता है PAA-फिनाइल-एसिटिक एसिड। फोर्थ आता है इंडोल-3-ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल-3-ब्यूटेरिक एसिड भी अधिकांशतः जो है प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडोल-3-प्रोपियोनिक एसिड, उसके बाद में आता है इंडोल-3-एसिटाल्डिहाइड,
और उसके बाद में आता है इंडोल 3-एसिटोनिट्राइल। तो दोस्तों ये सभी जो है प्राकृतिक हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये इन सभी प्राकृतिक हार्मोन्स की संरचना होती है, जिसमें यहाँ पर संरचना जो ए है उसमें इंडोल एसिटिक एसिड की संरचना को जो है दिखाया गया है कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। एग्जाम्पल जो ये बी डायग्राम दिखाया गया है इसमें 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक अम्ल की संरचना को दिखाया गया है सी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यहाँ ये सभी संरचनाएं जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन्स की संरचनाएं होती है। नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक कार्बनिक संश्लेषित रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वृद्धि हार्मोन्स की तरह, ऑक्सीजन हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। उन्हें सिंथेटिक ऑक्सीजन कहा जाता है। और इन सिंथेटिक ऑक्सीजन की जो सक्रियता होती है वह जो प्राकृतिक जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड होता है उसकी सक्रियता के समान ही इनकी सक्रियता होती है। और जो इनमें भी जो है इंडोल बले प्रेजेंट होती है। अब हम इनके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजंस, अल्फा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड जिसे सामान्यतः ऑरोटोमोन कहा जाता है, बीटा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड जिसे रोटोन कहा जाता है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पिक्लोरेन, 2,3,5-ट्राइक्लोरो4-अमीनो पिकोनिलिक एसिड, मीथेनॉन, 2,4,5-ट्राई-2-मेथॉक्सी-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और डेलापॉन 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो ये सभी जो है सिंथेटिक हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें विस्तार पूर्वक एक लिस्ट के रूप में यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है। इसमें एक नीचे नीचे दिखाया गया है जिसे टॉर्डन कहा जाता है, 2,3,5-ट्राइक्लोरो4-अमीनो पिकोनिलिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर 2,4-D है, 2,4,5-T है, अन्य जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें PPA है, IPA है, या अल्फा नेप्थलिक एसिड एसिड या बीटा नेप्थलिक एसिड एसिड है, इन सभी एग्जाम्पल्स को यहाँ एक एक करके विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। तो ये लिस्ट आपके सामने सभी संश्लेषित सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन्स की ये लिस्ट है। यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर भी जो है सिंथेटिक जितने भी ऑक्सीजन हार्मोन है उन्हीं को यहाँ पर दोबारा फिर से दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है, ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सभी डायग्राम जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन्स के डायग्राम है जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस। कौन कौन से प्लांट ऑर्गन्स है जो बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं इन सभी ऑक्सीजन हार्मोन्स या अदर जो प्लांट हार्मोन्स है उनके संश्लेषण में, जिसमें पहला आता है प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनका संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है यानी कि प्लास्टिड में होता है। दूसरा आता है साइटोसोल, यानी कि साइटोसोल भी पार्टिसिपेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी जो है पादप हार्मोन्स का संश्लेषण होता है। और ऑक्सीडेज की यदि हम बात करें तो वहाँ पर होता है। और ER के अंतर्गत यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत जो है प्लांट हार्मोन का संश्लेषण होता है, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आता है, ये जो कुछ पाथवे है इन पाथवे के द्वारा ही जो है इन हार्मोन्स का जो है संश्लेषण होता है, जिसमें पहला आता है ETUV-cutin ligase पाथवे। इस पाथवे के द्वारा ऑक्सिन ऑक्सिन का संश्लेषण होता है, जिबरेलिन का होता है, स्टीगोलेक्टोन का होता है और जैस्मोनिक
एसिड होता है, तो इन सभी का जो है इनके द्वारा संश्लेषण होता है। दूसरा आता है वाई हिस्टिडाइन टू कंपोनेंट सिस्टम, इसके द्वारा साइटोकाइनिन और इथाइलिन इन दोनों का संश्लेषण होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के द्वारा प्रकाशानुवर्तन पर प्रयोग करते हुए कैनरी घास पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी पदार्थ को इन्होंने H2 कहा, और उसका जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को उन्होंने एक पुस्तक में प्रकाशित किया, और उस पुस्तक का नाम है पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। इसके अंतर्गत इसका हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है। ऑक्सीजन की खोज, जैव विकास के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन व्यक्ति थे जिन्होंने पौधे के शीर्ष भाग में इस वृद्धिकर पदार्थ की उपस्थिति का अभ्यास किया था, और जब इन्होंने कैनरी घास के ऊपर अपना अध्ययन किया था, उन्होंने पाया कि जो सीडलिंग प्लांट होता है उसका जो कॉलियोप्टाइल होता है, जब उसे यूनी डायरेक्शनल प्रकाश दिया जाता है तो प्रांकुर जो है प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है, और उन्होंने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल को जब यूनी डायरेक्शनल प्रकाश दिया जाता है, एक दिवसीय दिशीय प्रकाश दिया जाता है, तो कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें वक्रण हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि जब उसे डिकैपिटेट कर दिया जाता है अथवा या फिर धातु के किसी फलक के द्वारा उसे कवर्ड कर दिया जाता है, तो और कवर्ड करने के बाद में जब उसे यूनिडायरेक्शनल प्रकाश दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसमें जो है वक्रण नहीं होता है। उसके बाद में डार्विन द्वारा किए गए प्रयोगों के बाद में वायसन, जेनसन और पाल वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के जो निष्कर्ष थे उन्हें आगे विस्तार पूर्वक पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, ये डार्विन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था, इसमें ये एक प्रांकुर चोल है, कॉलियोप्टाइल है, और इस कॉलियोप्टाइल को उन्होंने, ये कॉलियोप्टाइल है, जब इसे यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय लाइट दी जाती है तो देखते हैं कि जिस दिशा से लाइट यानी कि प्रकाश आता है उस डायरेक्शन में जो है कर्वेचर टेक पैलेस ये जो है वक्रण हो जाता है इस कॉलियोप्टाइल में। अगली कंडीशन हम देखते हैं कि किसी ब्लेड की सहायता से जब इसे डिकैपिटेट कर दिया जाता है, तो डिकैपिटेट जो कॉलियोप्टाइल होता है उसमें जब यूनिडायरेक्शनल लाइट दी जाती है तो उस कंडीशन में उसमें नो कर्वेचर यानी कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का वक्रण देखने को नहीं मिलता है। और तीसरी कंडीशन, जब कॉलियोप्टाइल कवर्ड विथ टिन फॉइल, टिन फॉइल के द्वारा जब इसको कवर्ड कर दिया जाता है और यूनिडायरेक्शनल जो उसे लाइट दी जाती है, तो उस कंडीशन में भी उसमें कोई कर्वेचर देखने को नहीं मिलता है, नो कर्वेचर देखने को मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट डार्विन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद में आता है वायसन एंड जेनसन, इन्होंने भी 1910 में प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म के लिए जई के ऊपर जो है ऑट के ऊपर कई प्रयोग किए, और उन्होंने जो वृद्धि पदार्थ था उसे मटेरियल सब्सटेंस इन्होंने कहा था, और उन्होंने अपने प्रयोग में जई के कॉलियोप्टाइल ट्रिप को काट करके पुनः कटे हुए भाग पर रखा, और एक दिवसीय लाइट जब दी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जब जिलेटिन को कॉलियोप्टाइल टिप और स्टम्प के बीच में रखा, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी इन्हें प्रकाशानुवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जब कॉलियोप्टाइल टिप और स्टंप इन दोनों के मध्य में माइका प्लेट रख दी जाती है, तो उस कंडीशन में प्रकाशानुवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ये तीन कंडीशंस इसके एक्सपेरिमेंट में थी, तीन प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसे आगे एक डायग्राम के माध्यम से जो है समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉलियोप्टाइल टिप थी और इसे यहाँ पर डिकैपिटेट कर दिया गया है, डिकैपिटेट कॉलियोप्टाइल से काट करके जो है अलग कर दिया गया है, और उसके पश्चात में डिकैपिटेटेड टिप रिप्लेस्ड ऑन एगार लॉग, इस कटे हुए कॉलियोप्टाइल के शीर्ष भाग को अगार ब्लॉक के ऊपर इन्होंने रिप्लेस कर दिया। जब अगार ब्लॉक के ऊपर रिप्लेस कर दिया और उसके बाद में उस अगार ब्लॉक को इन्होंने पुनः इस कटे हुए जो टिप पार्ट था उसके ऊपर रख दिया, और
उन्होंने देखा कि कर्वेचर टेक पहले जब उसे यूनिडायरेक्शनल लाइट जाती है तो उसमें कर्वेचर वक्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट था कि अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइका प्लेट को इंसर्ट कर दिया ऑन डार्क साइड, जो अंधकार वाली सतह थी। देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन से प्रकाश का एक दिवसीय प्रकाश दिया जा रहा है, तो इसके विपरीत जो सतह होगी वो अंधकार वाली साइड होगी और ये जो सतह होगी ये लाइट वाली सतह होगी। तो अंधकार वाली साइड में जब इन्होंने माइका प्लेट को इंसर्ट कर दिया तो उस कंडीशन में इन्होंने देखा कि जो कॉलियोप्टाइल है उसमें नो कर्वेचर, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का वक्रण देखने को नहीं मिलता है। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस माइका प्लेट को इंसर्ट कर दिया उस प्रकाश वाले रीजन में जिस तरफ से यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय प्रकाश आ रहा था, उस साइड में इन्होंने इसको लगा दिया। तब उन्होंने देखा कि कर्वेचर टेक पैलेस, यानी कि अब इस कंडीशन में जो कॉलियोप्टाइल का जो शीर्ष भाग होता है उसमें वक्रण देखने को मिलता है।